प्रियंका ऑल्ट न्यूज से। अक्सर हमने देखा है कि नेताओं के रैलियों के भाषण या उनके इंटरव्यू के वीडियो को क्लिप कर यानी उनके बयान का आधा अधूरा हिस्सा गलत संदर्भ में शेयर किए जाते हैं। इसी तरह का एक वीडियो राहुल गांधी के नाम से फिलहाल वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि यूपी में ऐसी महिलाएं हैं जो हर सप्ताह एक बच्चा पैदा कर सकती हैं। आइए देखते हैं क्या है वीडियो। यूपी में ऐसी महिलाएं हैं जो हर सप्ताह एक बच्चा पैदा कर सकती हैं। ऐसी महिलाएं हैं जो साल में 52 बच्चे दे रही हैं। कई भाजपा समर्थक यूजर्स के अलावा इस वीडियो को साझा करने वालों में भाजपा सांसद आरके सिन्हा भी शामिल हैं। फिलहाल उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर लिया है, लेकिन जो शब्द उन्होंने इस वीडियो को ट्वीट करने के लिए इस्तेमाल किया था वो कुछ इस तरह है। राहुल ने ढूंढ लिया साल में 52 बच्चे देने वाली महिलाओं को, अब चुनाव हार कर ऐसी ही महिला से शादी कर हर साल 52 बच्चे पैदा करेंगे श्रीमान जी। तो क्या है सच्चाई? क्या राहुल गांधी ने सच में ऐसा कोई बयान दिया था? दरअसल यह वीडियो है 11 नवंबर 2011 की, यानी 7 साल पुरानी, जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के फूलपुर में भाषण दे रहे थे। उस दौरान वो एक आरटीआई के जवाब का हवाला देते हुए जननी सुरक्षा योजना में हुए भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहे थे। उसी आरटीआई को संदर्भित करते हुए वो कह रहे थे कि यूपी में एक ही नाम की कई महिलाओं को इंसेंटिव मिला है, जिसका मतलब यह होता है कि लिस्ट में ऐसी महिलाओं के नाम हैं जो हर सप्ताह बच्चा पैदा करती हैं। जननी सुरक्षा योजना एक प्रोग्राम है, 1400 रुपए मिलते हैं महिला को जब बच्चा होता है अस्पताल में। हमने आरटीआई मांगा, आरटीआई में जो हमें रिपोर्ट मिली, यूपी में ऐसी महिलाएं हैं जो हर सप्ताह एक बच्चा पैदा कर सकती हैं। ऐसी महिलाएं हैं जो साल में 52 बच्चे दे रही हैं। एक ही नाम है, 1400 रुपए हर सप्ताह उसके जेब में। और ऐसी एक महिला नहीं है, हजारों महिलाएं हैं। तो जैसा कि आपने देखा, राहुल गांधी के पूरे बयान से आरटीआई के जवाब वाला हिस्सा क्लिप कर हटा दिया गया था और इसे गलत संदर्भ से पेश किया गया था, जबकि वो एक योजना में हुए भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहे थे। राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए पहले भी क्लिप वीडियो का इस्तेमाल किया गया है, जैसे आलू से सोना बनाने की मशीन वाला बयान। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को भी क्लिप वीडियो के इस्तेमाल से निशाना बनाया गया है। धन्यवाद।